1997 मुंबई धमाकों के आज 20 साल पूरे हो गए हैं। तो पूरे हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम अब तक पकड़ से बाहर क्यों है और आजाद क्यों घूम रहा है। सभी को मालूम है कि दाऊद और उसके गुर्गे पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात से आज तक इनकार करता रहा है। दाऊद और उसके गुर्गे पाकिस्तान में पलार लिए हुए हैं, जब भी यह सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान इनकार कर देता है। आपको बता दें कि मुंबई में 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार रूप से बम धमाके हुए थे। इन 12 बम धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अभी भी उनके जख्म हरे हैं और हरे इसलिए भी क्योंकि अब तक जो मुख्य गुनहगार है वही हमारी पकड़ से बाहर है। तो वो टीस, वो जख्म इसलिए नहीं भरे क्योंकि अब तक जो मुख्य गुनहगार है वो पकड़ से बाहर है। बहरहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।